बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में छापेमारी के दौरान पकड़ा था। एनसीबी का आरोप है कि शाहरुख खान के बेटे पार्टी के अन्य लोगों के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहे थे। अब इस पूरे वाक्य के बाद से ही शाहरुख खान के कई पुराने इंटरव्यूज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें शाहरुख खान अपने बड़े बेटे आर्यन खान के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों शाहरुख खान के कई इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। इसी बीच उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्यन ही क्यों रखा है। ये इंटरव्यू शाहरुख खान ने बेटे आर्यन के जन्म के बाद दिया था। शाहरुख खान अपने करियर की शुरुआती दिनों में सिमी गरवाल के शो में शामिल हुए थे, इसी दौरान उन्होंने इस बारे में भी खुलासा किया था। शाहरुख खान ने इस इंटरव्यू में कहा था कि गौरी और मुझे आर्यन नाम से प्यार था। इसे बाद में उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, मैं चाहता था कि आर्यन का नाम सुनकर लड़कियां उनसे इंप्रेस हो जाएं। जब मेरा बेटा किसी लड़के से कहेगा हेलो माय नेम इज आर्यन खान तो वो इंप्रेस हो जाएगी, उसको अपना लुक हम दोनों से मिला के। गोरी और मेरी एक जैसी खासियतें हैं, हम दोनों की बड़ी आंखें और मोटे होंठ हैं। मुझे नहीं पता कि उसके पास मेरे जैसे इमोशन हैं, लेकिन वह हमारा एक मिक्सचर है। और हाँ, मैंने कभी उसका डायपर नहीं बदला। दोस्तों आपको बता दें कि आर्यन खान इस वक्त भी मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर शाहरुख खान और गौरी खान का बुरा हाल है। दोस्तों बहरहाल आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है कि क्या आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया जा रहा है या फिर इसमें आर्यन खान दोषी है? अब बताइए अपनी राय। और शाहरुख खान की इमेज को कितना नुकसान पहुंचा है, क्या आने वाले समय में शाहरुख खान की इमेज पर कोई असर होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। और हाँ, बॉलीवुड से रिलेटेड हर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।